चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जहां देश के आधे राज्य में पानी किस तरीके से मुसीबत बरसा रहा है। चाहे महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए, आंध्र प्रदेश की बात कर लीजिए, बारिश मानो आफत का दूसरा नाम। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहर डूबे, गुजरात में बारिश और पानी मुसीबत बनी है। जगह जगह की तस्वीरें, लोकेशन चेंज, सिचुएशन सेम, लोग दो चार हो रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि अभी पूरा अगस्त बाकी है और मॉनसून के इस प्रहार को वो झेले तो झेले कैसे, कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन और किस तरीके से। 8 तस्वीरें जो सामने आई है वो स्क्रीन पर हम आपके रखेंगे, तब आप अंदाजा लगा पाएंगे कि बारिश की मुसीबत कितनी बड़ी है, लोगों को क्या क्या देखना पड़ रहा है। और इस बात का अंदाजा नहीं कि कब तक यही सिचुएशन रहने वाली है, क्योंकि ये जुलाई की एंड है। आपको बताते चले कि कैसे आफत गुजरात में है, महाराष्ट्र में है और यहां पर वाटर स्ट्राइक से तबाही ही तबाही है। इन 8 तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए, जगह जगह से आई ये 8 तस्वीरें हैं जहां किस तरीके से कोई सैलाब में बहता है, पेड़ पर शरण लेता है, कहीं साड़ी को बांध करके लोगों की मदद से किसी को बचाया जाता है, बारिश की मुसीबत किस तरीके से लोगों के ऊपर टूटी है अंदाजा लगाइए। और किसी को कुछ नहीं पता कि आखिरकार कब तक इस बारिश से वो दो चार होंगे। आधा हिंदुस्तान किस तरीके से पानी से परेशान है, उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर देखिए जम्मू से है, यहां किस तरीके की मुसीबत है। आम लोग आखिर कब तक अपना मनोबल बांध के रखें कि इस पानी से उन्हें बचना है। लैंडस्लाइड रास्तों को ही नहीं तोड़ता है बल्कि लोगों को, जिनका काम एक जगह से दूसरी जगह जोड़ने वाली सड़कें हैं उससे दूर कर देता है। तेलंगाना की बात कर लीजिए, शहर क्या गांव क्या, तबाही ही तबाही, नजर जहां जाएगी सिर्फ पानी आपको नजर आएगा। और किन्नौर हिमाचल की बात करें, तबाही का मंजर थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पे भी अभी भी कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं सैलाब तो कहीं मलबा, ये तमाम चीजें मुसीबत बनकर के सामने आई हैं। जगह जगह से ये आई तस्वीरें, किस तरीके की रिपोर्ट है, आइए हम रुक करते हैं सीधे हमारे सहयोगी मृत्युंजय का। पूरे देश की जो तस्वीरें आ रही हैं जगह जगह से, मृत्युंजय जरा समराइज कीजिए कि आखिरकार मौसम विभाग का भी क्या कहना है और कितना सितम सहना है यहाँ के लोगों को। निश्चित तौर पर अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के जो पश्चिमी जिले हैं, जो चाहे मुंबई हो, रायगढ़ हो, पालघर हो, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या फिर कोल्हापुर, इन जिलों में तो लगातार बारिश हो रही है। पिछले 8 से 9 दिनों तक लगातार बारिश हो रही है, बारिश ने कोई ब्रेक नहीं लिया है। लेकिन एक और तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा, अगर बारिश ब्रेक भी लेती है तो तस्वीर नहीं बदलती, यहाँ पर प्रशासन की आदमी नजर आती है। हम पालघर जिले में मौजूद हैं और पालघर जिले में एक सोसाइटी के गेट पर मौजूद हैं, और जरा इस तस्वीर को देखिए, ये 65 परिवारों का एक सोसाइटी है, विजय पार्क नाम की सोसाइटी है, और देखिए कैसी स्थिति में लोग रह रहे हैं। बिल्डिंग से निकले हुए इस व्यक्ति को देखिए, कैसी स्थिति में घर से बाहर निकल रहा है। तो कल्पना कीजिए कि पिछले 10 दिनों से लगातार बारिश की वजह से निचले इलाकों की, मुंबई और आसपास के इलाकों की क्या हाल हुई है, सोसाइटी में रहने वाले लोगों को किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, किस प्रकार से लोग पानी में से निकल रहे हैं। यहां तक कि जो बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के घर हैं, ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट्स हैं, वो जलमग्न हैं, वो पानी में डूबे हुए हैं। आपको बता दें कि लोगों ने अपना आसरा या तो अपने रिश्तेदारों के घर पर बनाया है या फिर आसरा इमारत की छत पर, टेरिस पर बनाया हुआ है। 10 दिनों से इस घर में, इस सोसाइटी में, इलाके में बिजली नहीं है, साफ पीने का पानी नहीं है, तो कल्पना करिए कि ये जल प्रलय है और जल कर्फ्यू है, और लोगों को जल भी घरों में बंधक बनाने के लिए मजबूर कर सकता है, वो तस्वीर हमें देखने को मिल रही है। रही बात लगातार हो रही बारिश की, तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में खास करके लगातार बारिश हो रही है, गोवा में भी बारिश का अलर्ट है। मुंबई और आसपास के इलाकों की बात करें तो आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया था, आने वाले 3 दिनों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट भी। बिल्कुल, जगह जगह अलर्ट पे ध्यान रखना होगा, जहां बारिश हो रही है वहां पे तो खासकर लोगों की जिंदगी इस अलर्ट के हिसाब से ही डिसाइड चल रही है। हम चलते हैं राकेश जी के पास और जानने की कोशिश करते हैं, दिल्ली मुंबई मेट्रो शहर कहा जाता है, जहां अपार्टमेंट के सामने पानी लगा है और कहीं पर यह भी देखा जा रहा है कि बारिश की राह देखी जा रही है, चाहे बिहार के कुछ क्षेत्र की बात कर ले, यूपी के पूर्वांचल के कुछ क्षेत्रों की बात कर ले, मौसम का यह बदलता स्वरूप चिंता वाली विषय है। आपको क्या लगता है राकेश जी? हमारे यहाँ ऋतुएं बटी हुई है, ये बिल्कुल तय है कि बरसात होगी, बल्कि पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे तो बरसात का क्रम काफी कम हो चुका है, यानी अब 2 दिन 4 दिन 5 दिन की बारिश होती है। पहले बारिश की झड़ी लगा करती थी, वो 15 से 20 दिन तक बारिश होती थी, इसीलिए जो बसाहट होती थी वो बसाहट हमेशा नदी की तरफ से निर्धारित की गई सीमा से इतना दूर बसाहट की। बसाहट की जब आप बात कर रहे हैं तो हिंडन का जिक्र करना जरूरी हो जाता है राकेश जी, क्योंकि अभी एक सवाल आता है कि हिंडन के किनारे अब कहा जा रहा है कि अब जो जिन लोगों ने घर बना रखे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कैसा सिस्टम है ये, किस तरीके से आखिर बन जाती है वो बिल्डिंग, वो घर, जब पता है कि ये हिंडन का क्षेत्र है।
मैं वही कह रहा हूँ कि पहले अनुमति दी जाती है अनधिकृत तौर पे और बाद में उनको हटाने की बात की जाती है, तो ये गलत है। जैसे लाल किला बना हुआ है, लाल किला जब निर्माण किया गया उस समय पर यमुना जी बिल्कुल किनारे पे थी और आज यमुना जी कहाँ पहुँच चुकी हैं, और आज कम से कम हमें लगता है 20 से 25 लाख की आबादी यमुना जी के ऊपर बसी हुई है। कल को जब यमुना जी बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पे वो आबादी प्रभावित होगी। दूसरा, दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में हर साल इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं, बरसात में आप भी जाम में फंसती है, हम भी जाम में फंसते हैं, तो क्या यहाँ जो 150 से 200 करोड़ रुपए हर साल आवंटित किया जाता है नालों की सफाई का, क्या वो नाले की सफाई की जाती है? नहीं की जाती। ड्रेनेज सिस्टम किया गया आज तक? नहीं किया गया। हम बड़े शहरों में कोई मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे तो हम छोटे घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।